हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसे अपडेट करने के बाद हमें फिर से उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय हम सबसे पहले हम अकाउंट नंबर डालते हैं, कस्टमर आईडी डालते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद 4 डिजिट का एमपिन सेट करते हैं और उसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसे हम फिल करते हैं। बाद में उसे सबमिट करने के बाद ओटीपी की प्रोसेस होती है, लेकिन ये आईबीपी की मोबाइल बैंकिंग ऐप अपडेट करने के बाद इस वर्जन में ओटीपी ऑटोरेट का ऑप्शन है, तो हम उसमें ओटीपी मैनुअली नहीं डाल सकते। मोबाइल पे ओटीपी का मैसेज आने के बाद भी हम उसे वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। हमें जहाँ पे ओटीपी एंटर करना है वहाँ पे हम क्लिक करते हैं, फिर भी हमारा कीबोर्ड वहाँ पे वर्क नहीं करता है, हमारा कीबोर्ड वहाँ पे शो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसी इशू पे हम आज बात करेंगे और इसे सॉल्व करके मोबाइल बैंकिंग ऐप का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस वीडियो में हम देखेंगे। ऐप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी होगी। पहला है रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है आप जिस मोबाइल में आईबीपी की ऐप लॉगिन कर रहे हैं उस मोबाइल में होना जरूरी है। और दूसरा है वही मोबाइल नंबर आपको सिम वन में इंसर्ट करना है। और थर्ड जो आपको काम करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको मोबाइल की कुछ सेटिंग करनी है। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। उस सेटिंग को करने के लिए आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है। यह आने के बाद आपको आना है ऐप्स में। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें गूगल प्ले सर्विसेज ये सर्च करना है। आपके पास कोई भी मोबाइल हो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। गूगल प्ले सर्विसेज ये यहाँ पे है, गूगल प्ले सर्विसेज यहाँ पे आपको करना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट दिखाई देंगे, आपको उस पर क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको अनइंस्टॉल अपडेट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको गूगल प्ले सर्विसेज, उसके नीचे रिप्लेस दिस ऐप विद द फैक्ट्री वर्जन, ऑल डाटा विल बी रिमूव, यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको सेटिंग में से बाहर आना है। इस सेटिंग को क्लोज करके आपको गूगल प्ले स्टोर इस ऐप को ओपन करना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग। और आपको उस पर करना है क्लिक। यह आपको ओपन नेम दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे ओपन इस ऑप्शन पे करना है क्लिक। इस ऐप को आपको यहाँ से ओपन करना है। ये ऐप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको एमपिन सेट करना है। बाद में कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसको आपको यहाँ से फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आएंगी ओटीपी की प्रोसेस। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मोबाइल पे ओटीपी आने से पहले ही आपकी मोबाइल बैंकिंग ऐप रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप मोबाइल की कुछ सेटिंग करके आप अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।